Welcome dear students, today we will learn about difference between scalar quantity and vector quantity. पिछली क्लास में हमने इनकी definitions पढ़ी, इनके examples पढ़े. वापस से revise कर लेते हैं इनकी definition क्या है, what is vector quantity and what is scalar quantities. First of all, vector quantity जो होती है उसमें क्या definition है, a physical quantity that is defined by A physical quantity that is defined by its magnitude only is called scalar quantity, and a vector quantity that is defined by its magnitude as well as direction is called vector quantity. ठीक है, तो difference के बाद अब इसकी definitions के बाद अब study करेंगे हम उनकी difference के बारे में कि what is the difference between स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. ध्यान से सब लोग स्टडी करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में डेफिनेशन के अलावा क्या डिफरेंस है. डेफिनेशन से तो डिफरेंस है ही कि भाई स्केलर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, और जो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है भाई, डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है. दोनों चीज होंगी तभी हम उनको वेक्टर जो क्वांटिटी है उसको वेल डिफाइन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं. ठीक है, तो देखिए स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज की पहली बात कि जो डेफिनेशन में थी वो फर्स्ट डिफरेंस यही है कि स्केलर क्वांटिटीज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली. क्या डिफरेंस है कि दीज क्वांटिटीज आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली. इसमें क्या है, दीज क्वांटिटीज आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली, यानी कि सिर्फ इसको डिफाइन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है. और दीज क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज में क्या लिखेंगे, These quantities completely specified by their magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction. ठीक है, मतलब उसको define करने के लिए, उसको calculate करने के लिए, उसको समझने के लिए, समझाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी. Magnitude के साथ साथ direction की भी आवश्यकता पड़ेगी. पिछली क्लास में मैं आपको समझा चुका हूँ कि जब भी आपको किसी ने धक्का दिया हो, फोर्स लगाया हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि किसने आगे से फोर्स मार लगाया है या पीछे से फोर्स लगाया है. जैसे आपको किसी वस्तु को ऊपर उठाने के लिए बोला जाए, खींचने के लिए बोला जाए, तो आप ऊपर की ओर खींचते हैं, तो डायरेक्शन बताना है इसको ऊपर खींचो. ठीक है, या फिर इस को नीचे की तरफ डालिए. ठीक है, रस्सी को ऊपर खींचिए, रस्सी को नीचे डालिए, तो डायरेक्शन जब तक नहीं बताएंगे ना तब तक इस फोर्स का अर्थ जो है, उसकी मीनिंग जो है वो समझ में नहीं आती. अगली बात समझ में, दोनों चीजें आवश्यक होती हैं, इसकी मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता होती है और डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है. कौन सी क्वांटिटीज के लिए, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए. ओके, तो नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज इज दीज क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय लॉज ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा. ध्यान से देखिए कि दीज क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय लॉज ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा. जो स्केलर क्वांटिटी जो है उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो नॉर्मल जो मैथमेटिक्स है उसके सिद्धांतों के आधार पर हम कर सकते हैं. जैसे आप देख रहे हो कि स्पीड क्या है, कि स्पीड एक तरह से स्केलर क्वांटिटी है. स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. देखो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. स्पीड और वेलोसिटी अपनी जो आम स्टूडेंट्स हैं, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, जिसको अपन ये कहेंगे कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ही बात है कि स्पीड से जा रही है. जो सामान्य व्यक्ति है उनके लिए भी एक ही बात है कि स्पीड और वेलोसिटी में वो डिफरेंस नहीं समझते हैं. और डिफरेंस अपने को समझना जरूरी है कि स्पीड में नॉर्मली आप ये कहेंगे कि वह गाड़ी 40 की स्पीड से जा रही है. एक गाड़ी पहले 40 की स्पीड में थी और फिर ये 70 की स्पीड में हो गई है. ठीक है, अब आप लोगों से पूछ ले कि उसकी स्पीड जो है उसमें कितने कितनी बड़ी स्पीड में
ग्रोथ कितनी हुई, तो आप क्या बताएंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसकी स्पीड बढ़ी है। तो नॉर्मल एलजेब्रा की जो लॉज है ना वो ही इसमें लागू है। और समझ गए बात को कि दीज क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कि इसके जो इन जो फिजिकल जो क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जो है, उसमें आप लोगों को सिर्फ इन नॉर्मल मैथमेटिक्स के द्वारा उसके मैग्नीट्यूड को आप ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग से कोई लॉज या रूल्स लागू नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पर लागू है। नॉर्मल एलजेब्रा जो रूल्स हैं या लॉज है, लॉज ऑफ ऑर्डिनरी एलजेब्रा, ओके। नेक्स्ट, और इधर बाय लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आप जो हायर क्लासेस हैं उनमें रीड करोगे कि वेक्टर एडिशन जो है, सदिश या वेक्टर के जो रूल्स हैं वो अलग हैं, ठीक है, कि कौन से एकांक सदिश जो होते हैं उनके लिए अलग है। आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, आप लोग यहाँ पर ये ध्यान में रखें कि बाय लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन के जो लॉज है, ये जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, कौन, वेक्टर क्वांटिटीज। और ये जो है नॉर्मल या ऑर्डिनरी एलजेब्रा के रूल्स जो हैं उनको फॉलो करते हैं, कौन, स्केलर क्वांटिटी जो है वह ऑर्डिनरी एलजेब्रा के रूल्स फॉलो करती है, और वेक्टर क्वांटिटी जो है वो वेक्टर एडिशन, वेक्टर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन जो है उनके रूल्स या लॉज फॉलो करती हैं। नेक्स्ट देखिए, दीज क्वांटिटी चेंज बाय चेंज इन देयर मैग्नीट्यूड ओनली, अगर इसके मैग्नीट्यूड में चेंज कर दिया जाए तो ये फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाती है। अगली बात समझो, इनमें बदल सकते हैं, किस में चेंज करके, इसके वैल्यू जो है उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है कि ओनली व्हेन वी कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मैग्नीट्यूड में ही चेंज अगर करें तो इस टोटल इसके पूरे वैल्यू में चेंज हो सकता है, लेकिन इधर देखिए वेक्टर क्वांटिटीज में क्या है, मैग्नीट्यूड में अगर चेंज करें तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, या फिर डायरेक्शन में करें तो भी इनमें चेंज हो जाएगा इसकी वैल्यू में, और दोनों में अगर चेंज करें तो भी इनकी वैल्यू या इसका जो कैलकुलेशन है उसमें चेंज हो सकता है। किसी एक में भी मैग्नीट्यूड में चेंज कर दें तो भी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसका कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, और उसकी डायरेक्शन में भी अगर चेंज कर दें तो भी इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है, और इसमें चेंज हो जाएगा, और दोनों में चेंज कर दें तो भी इनमें चेंज होता है। तो ये क्या है, डिफरेंस है किन किन के बीच में, स्केलर क्वांटिटीज के बीच में और वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में, आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास जो है उसके हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।